हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे या सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन है जोहानन कार्ल फ्रेडरिक गॉस की, इसे देखते हैं। ये क्या कहते हैं मैथ्स के बारे में? मैथ्स के बारे में ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द साइंसेस एंड द नंबर सिस्टम या अरिथमेटिक इज द क्वीन ऑफ द मैथमेटिक्स। ये द ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। या नंबर सिस्टम को ही हम लोग पुराने जमाने में क्या जानते थे? अरिथमेटिक जानते थे, जिसको अंकगणित कहा जाता है। एलजेब्रा, उसके बाद एलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। इनमें जो डेटा हैंडलिंग है, इस डेटा हैंडलिंग के पढ़ने से हम लोगों को जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, हो सकता है, ये हो सकता है कि जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो एक जो लेवल होगा वो छोटा लेवल होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका बड़ा लेवल होगा। तो हो सकता है कि इसके दो पार्ट्स हों, मिनिमम दो पार्ट्स पे होंगे, इनके लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो शुरुआत में सबके पहले पार्ट के लेक्चर्स अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। हाँ, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस के अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले क्या ये स्टार्ट करना है? हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम। क्यों नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है? क्योंकि गॉस के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स की क्या है? क्वीन है। नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले रियल नंबर्स पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, एक्सपोनेंट्स, घातांक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल, यूनिटरी मेथड, एकिक विधि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ये तो हमारा सिलेबस है, इसके अलावा भी हम लोगों को और भी देखना है। उसको मैं धीरे धीरे जब जब जो जो पार्ट स्टार्ट करूंगा तब तक उसके बारे में उसके सिलेबस को बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद में फिर हमारा जो दूसरा स्टेप होगा, यानी कि दूसरे लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तब जा करके ये और ये पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके पहले हम लोग एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। यहां तक चैप्टर नंबर 6 तक जब हम लोग पढ़ चुके होंगे तो चैप्टर नंबर 6 के पढ़ने के बाद फिर हम लोग एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो एलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो जब एलजेब्रा स्टार्ट होगा तो उसके पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पहले लेक्चर में, और वो पहला लेक्चर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है ये मैं रियल नंबर्स में बताने से पहले बता दूंगा, ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।